दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच आईपीएल का 17वां मैच खेला जा चुका है, जहां इस मैच में हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया था। और जब इसके बाद चेन्नई की तरफ से रॉबिन उथप्पा और ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई की पारी की शुरुआत करने उतरे, तो चेन्नई को पहला ही झटका 25 रन के स्कोर पर वॉशिंगटन सुंदर ने देते हुए रॉबिन उथप्पा को आउट कर दिया था और उथप्पा 15 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं इसके बाद 36 रन के स्कोर पर चेन्नई को दूसरा झटका टी नटराजन ने देते हुए ऋतुराज को क्लीन बोल्ड मार दिया और ऋतुराज 16 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद मोइन अली और अंबती रायडू ने तीसरे विकेट के लिए काफी शानदार पार्टनरशिप करी, जहां एक तरफ मोइन अली काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और इसके बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 62 रनों की पार्टनरशिप कर ली थी। लेकिन तभी 98 रन के स्कोर पर चेन्नई को तीसरा झटका वॉशिंगटन सुंदर ने देते हुए अंबती रायडू को आउट कर दिया और रायडू 27 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद मोइन अली अपने 50 से मात्र 2 रन दूर थे, लेकिन तभी 108 रन के स्कोर पर चेन्नई को चौथा झटका एडेन माकरन ने देते हुए मोइन अली को आउट कर दिया और मोइन अली 48 रन बनाकर आउट हुए थे। और वहीं इसके बाद अगले ही ओवर में टी नटराजन ने शिवम दुबे को आउट कर दिया और दुबे 3 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद 122 रन के स्कोर पर चेन्नई को छठा झटका मार्को जैसन ने देते हुए महेंद्र सिंह धोनी को आउट कर दिया और धोनी 3 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ रविंद्र जडेजा काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरी ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने उन्हें भी आउट कर दिया और जडेजा 23 रन बनाकर आउट हुए थे। और इसी के साथ चेन्नई ने पूरे 20 ओवर खेलने के बाद 154 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। जहां चेन्नई की तरफ से डीजे ब्रावो 8 रन बनाकर नॉट आउट रहे, वहीं क्रिस जॉर्डन 6 रन। जहां हैदराबाद की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर और टी नटराजन को 2-2 विकेट हाथ लगी, वहीं भुवनेश्वर कुमार, मार्को जैसन और एडिन माकरिन ने 1-1 विकेट झटका। वहीं अब हैदराबाद की टीम को ये मैच जीतने के लिए 155 रन बनाने थे। और जब इसके बाद हैदराबाद की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी, तो उनकी शुरुआत इस मैच में काफी शानदार रही, जहां हैदराबाद के दोनों ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और कप्तान केन विलियमसन काफी संभल कर बैटिंग कर रहे थे। जहां इसके बाद तो अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों का सामना करने के बाद अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए ही 89 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर ली थी। लेकिन तभी हैदराबाद को पहला बड़ा झटका 89 रन के स्कोर पर मुकेश चौधरी ने देकर केन विलियमसन को आउट कर दिया और विलियमसन 32 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने राहुल त्रिपाठी उतरे थे और त्रिपाठी तो इस मैच में काफी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां इसके बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए भी 56 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर ली थी, जहां ये दोनों ही बल्लेबाज काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे। लेकिन तभी 145 रन के स्कोर पर हैदराबाद को दूसरा झटका डीजे ब्रावो ने देकर अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया और अभिषेक 75 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन इसके बाद 18वें ओवर की चौथी गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने चौका जड़कर इस मैच में हैदराबाद को जीत दिलवा दी और हैदराबाद की टीम ये मैच 2 ओवर पहले और 8 विकेटों के बड़े अंतर से जीत चुकी है। जहां हैदराबाद की तरफ से त्रिपाठी 39 रन बनाकर नॉट आउट रहे, वहीं पूरन भी 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे।